हरियाणा में सोमवार को मौसम ने फिर से करवट ली और कुछ जिलों में बारिश शुरू हो गई। पानीपत, सिरसा, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई। कैथल के सीवन गांव, कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे के कुछ गांव में और करनाल में ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने से सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पहाड़ों में सोमवार को भी बर्फबारी हो रही है, उसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी को भी कुछ जगह बारिश होने की संभावना है। 15 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, इसके बाद 16 और 17 जनवरी को फिर से बारिश की संभावना है। 18 दिसंबर को मौसम साफ हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को भारी बर्फबारी हुई, एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। हिमाचल के केलांग में 1 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हो गई। कोठी में 11 व सियोबॉक में 4 mm बारिश हुई। पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से अब तक 455 सड़कें बंद हैं। 16 जनवरी तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी हिमपात के भी आसार है। यदि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं भी भारी हिमपात हुआ तो इसका असर दिल्ली में देखने को मिल सकता है। ऐसे में देश की राजधानी का पारा एक बार फिर से लुढ़क सकता है। गौरतलब है कि रविवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी झारखंड में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। स्काईमेट के अनुसार दिल्ली और हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बन गया है, इसके प्रभाव से दिल्ली और हरियाणा में बारिश हो सकती है। वहीं लाडवा में बर्फ देखी गई है। आप भी देखिए कि लाडवा में कैसे बर्फबारी हो रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।